नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देहरादून पहुंच गए हैं। अमित शाह अपने एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में वह एक जनसभा को संबोधित करके प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान की शुरूआत भी करेंगे। आपको बताते चले, बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके बाद वह प्रदेश बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, फिर वह हरिद्वार रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया। अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर मंत्र भी दिया है और लक्ष्य भी। अमित शाह ने लखनऊ में तमाम बैठकों की और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लोकसभा चुनाव 2019 में लोकसभा के प्रभारी व संयोजक शामिल रहे। इस बैठक में सभी को 300+ सीट का लक्ष्य रखा गया था। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह ने सभी से कहा कि सभी को टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी परिस्थितियों, समीकरण, पहलुओं को देखना पड़ता है, इसलिए जिसे टिकट मिले पूरी ताकत से चुनाव लड़े, जिन्हें टिकट नहीं मिलता वो उनको जिताने में लगे जिन्हें टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा है कि संगठन का जो भी निर्देश हो उसे सभी माने। अमित शाह ने कहा है कि आगामी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए समन्वय व्यवहार जरूरी है। अमित शाह ने 300+ सीट का लक्ष्य तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि 2017 से अधिक सीटों पर कमल खिलाना है। वहीं बैठक के बाद उसमें शामिल नेताओं के बीच चर्चा रही कि करीब 150 सीटों पर मौजूद विधायकों का टिकट काट सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तकरीबन 10 से 12 लोगों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की थी, यानी उस बैठक में केवल अमित शाह और वह व्यक्ति मौजूद है। इनमें सरकार के कुछ मंत्री भी हैं, कुछ सांसद भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों, सरकार के कामकाज पर केंद्रीय गृह मंत्री ने इनसे फीडबैक लिया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है हर बूथ पर बीजेपी का कमल फूल खिले, यही एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कमल खिलेगा, बीजेपी सरकार बनेगी, सुशासन कायम रहेगा, गुंडागर्दी दफन होगी, जो अच्छे काम किए वो जनता के बीच लेकर जाए जाएंगे, सपा की सफाई के लिए जनता तैयार।